अस्सलामुअलैकुम। अपने तमाम नाज़रीन को हमारी तरफ से ईद मुबारक। आज की शाम हमारे इस प्रोग्राम मुकदमा में पाकिस्तान की एक बहुत जानी पहचानी आवाज़ और चेहरा और इंतहाई मुअज़्ज़म खातून, जो कि हर सुबह हमारी तमाम बहनों बेटियों और माओं की सुबह का आगाज़ इनके चेहरे से आवाज़ से हुआ, और वो इसी तरह से वो उनकी आशनाई का सबब हैं, और आप हैं मोहतरमा जनाब आयशा सना साहिबा। अस्सलाम वालेकुम आयशा जी, बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। और सब नाज़रीन को भी, सोनी धरती देखने वालों को, इनफैक्ट हमारी जो सोनी धरती है पाकिस्तान, तमाम देखने वालों को जहां जहां भी इस वक्त ये प्रोग्राम देखा जा रहा है, मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। मेरी तरफ से भी आपको ईद मुबारक और खैर मुबारक हो। ये एक हमारा बहुत बड़ा त्यौहार है जिसके अंदर के हमें इस त्यौहार में ऐसा देख के चलना पड़ता है कि एक हमने बहुत बड़ा अपने नफ्स के साथ जहाद किया होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। और उसके बाद हमें ये खुशी का एक दिया जाता है जिसको हम ईद सईद फित्र कहते हैं, इसकी बड़ी मुबारक जी है और अहमियत है, और तमाम जहां जहां भी दुनिया में लोग देख रहे हैं वो इस चीज के ऊपर, उन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। बिल्कुल। आज मैंने आपको जहमत इसलिए दी है। नो नो, इट्स माय ऑनर। जहमत की क्या बात है, आपने तो मुझे मौका दिया, मैं तो आपकी शुक्रगुजार हूं। और आपने मेरी आवाज की बात की, तो एक हमारे बड़े नामी गरामी जी, बड़े मशहूर जमाना हमारे जर्नलिस्ट हैं, नाम मैं अभी बाद में बताऊंगी, मुकदमा के दौरान जरा मुकदमा थोड़ा हीट अप हो जाए तब बताऊंगी, तो उन्होंने तो लिखा मेरे बारे में कि आयशा सना बैठी हुई आवाज वाली आयशा सना। हमारे हिसाब से तो आपकी आवाज जो है वो एक मारूफ आवाज है, चाहे बैठी हो चाहे खड़ी हो। शख्सियत आपकी अपनी जगह है, उसका निखार अपनी जगह है, उसकी शाइस्तगी और शगुफ्तगी वो अपने मयार से है, और मॉर्निंग शो में हमेशा पाकिस्तान टेलीविजन ने आपको बहुत मुकाम दिया। जी जी बिल्कुल, मुझे पाकिस्तान टेलीविजन ने बिल्कुल मौका दिया हमेशा, ये मुकाम भी दिया, और लोग बिल्कुल मुकाम पहचान सब कुछ बिल्कुल। मेरा जो मॉर्निंग शो मीना बाजार विद आयशा सना कराची से चला, फिर लाहौर से चला, तो यकीनन वो मेरी पहचान बना। तो अब कुछ हादसात जमाना ने ऐसी नहज इख्तियार की कि जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के तलातुम आपके इस जिंदगी के सफर में आए। जी बिल्कुल। जो कि अभी भी लग रहा है कि वो तलातुम तलातुम ही है, पर भंवर नहीं है, शुक्र है खुदा का। अच्छा अच्छा जी जी। तो आज हम कोशिश करेंगे आपसे मिलके कि आपकी एक जिंदगी की कहानी सुने, जिसे आम हालत में कहते हैं कि लाइफ स्टोरी। जी 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 बिल्कुल। और उस लाइफ स्टोरी के अंदर से हम कुछ ना कुछ सच को तलाश करने की कोशिश करेंगे, और ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर तो कभी आपको नहीं मिलेगा कोई भी सच जी, तो उसके अंदर कोई ना कोई दरमियान के अंदर हमने आपसे बिल्कुल खुद पूछना है, फिर सारा फैसला जो है हमारे तमाम नाजरीन के ऊपर बिल्कुल बिल्कुल होगा, और फिर वो जाने और उनके फैसले जाने, और तो फिर पिटिशनर कौन है और रिस्पोंडेंट कौन है और सरकारी वकील कौन है और ये कौन है, जरा ये बताएं। इसमें ये है कि आपका जो कहें कि रिफ्रेशर है। जी 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 जी, मैंने कहा चले ये बात थोड़ी ईद के दिन हल्की फुल्की बात जरा करें। हाँ, बहुत हल्की जी, और इंतहाई बहुत आराम से। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप जो है पिछले दिनों बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आई हैं, और उसके बारे में आप हमें कुछ बताना पसंद करेंगी जी, कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने किस मौजू के लिए
करनी थी और क्या ऐसी मजबूरी थी जो कि आप चाह रही थी कि ये लोगों तक बात पहुंचे। जी बिल्कुल। और उसमें जो सबसे अहम मैं ये पूछना चाहूंगा कि कुछ कानूनी पेचीदगियां हैं और उनको आपने कैसे सर करने की कोशिश की और कर रही हैं। जी 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 अफजल साहब, ऐसा है कि कानूनी केस जरूर चल रहा है, देर इज अ केस इन द फैमिली कोर्ट इन लाहौर, लेकिन कोई कानूनी पेचीदगियां नहीं है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है, मेंटेनेंस का केस है, मेरा मेरी मेंटेनेंस का केस है और मेरे बेटे मोहम्मद मुस्तफ़ा मिर्ज़ा का जो हु इज़ एट द मोमेंट ही इज़ 9 months ओल्ड माशाल्लाह, तो जी उनकी पहली ईद है आफ्टर इज बर्थ, सो उनका उनकी मेंटेनेंस का केस है। और जो डिफेंडेंट हैं या जो रिस्पोंडेंट हैं आप कह लें या जो जिनके अगेंस्ट है ये केस, वो यूसुफ बेग मिर्ज़ा हैं जो कि अभी कुछ अरसे पहले तक मेरे हस्बैंड थे और ये मोहम्मद मुस्तफ़ा मिर्ज़ा के वो वालिद हैं। क्योंकि वो एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं उसकी बर्थ को, उसकी एग्जिस्टेंस को, वो कह रहे हैं कि नहीं जी मैं नहीं मानता इस सच को, तो मुझे ये जो है लीगल रिकोर्स इसको अडॉप्ट करना पड़ा। और जाहरी बात है हम यहाँ पे बैठकर कोई केस के मेरिट्स और डीमेरिट्स तो डिस्कस करेंगे नहीं बिकॉज द केस इज इन कोर्ट, लेकिन मैंने ये जैसे बता दिया कि इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड केस और यूसुफ बेग मिर्ज़ा साहब जो हैं वो बस वहाँ पर डेट पे डेट डेट पे डेट लेते जा रहे हैं, बल्कि उनको चाहिए कि वो सामने आए और इस मैटर को मतलब एक्सपेडाइट किया जाए और जितनी जल्दी फैसला हो सकता है उतनी जल्दी फैसला हो। सो एनीवे वो तो बात की बातें हैं। जहां तक आपका सवाल है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने क्यों की जी, और क्या जरूरत महसूस हुई और क्यों मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या वाकयात आपने भी इसमें जी देखे और लोगों तक क्या पहुंचा? अच्छा, एक तो ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस माशाल्लाह से बहुत लोगों तक पहुंच चुकी हुई है, ठीक है, चैनल्स के जरिए पहुंचनी चाहिए थी, अखबारात के जरिए पहुंचनी चाहिए थी, लेकिन वो जो कुछ हुआ वो भी मैं अभी बताऊंगी क्योंकि मैं चाहूंगी ये कि आज इस नशिस्त में जो आप लोगों ने मुझे मौका दिया है मैं बल्कि यही ज्यादा बात करूं कि 19 जुलाई को मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद मेरे साथ क्या क्या कुछ हुआ, ठीक है। लेकिन यूट्यूब पे अगर आप यूट्यूब पे जाएं और आयशा सना प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप करें, ठीक है, तो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी मिलेगी। अगर आप वेबसाइट साथ देख लें aishasana.com तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि उस पर एक एक प्रूफ मौजूद है, और साथ फेसबुक पेज है जस्टिस फॉर आयशा सना जो अभी हाल ही में बनाया गया ये पेज, सो उस पर भी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस मिल जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ इस हवाले से थी अफजल साहब, आप तो खैर जानते हैं सारे केस का, आपको पता है, आपके जरिए नाजरीन तक पहुंचाने के लिए बहुत सी परसेप्शंस होती हैं और बहुत सी रियालिटीज होती हैं। Unfortunately or unfortunately, perceptions become stronger than reality, and it's the perception which actually seems to be the reality. So, बहुत से सवालात थे, बहुत से मतलब ये गलत फहमियां थी जो कि ये मीडिया में, जर्नलिस्ट कम्युनिटी में, मेरे फैंस में, आम लोगों में, सोशल सर्कल में, यू नो, ऐसे कुछ क्वेश्चन थे विच वो अनआंसर्ड। तो मैंने कहा क्यों ना मैं सामने आऊं सबके, एंड आई कम क्लीन एंड आई क्लेरिफाई माई पोजिशन एंड आई टेल एवरीबडी वॉट इज हैपनिंग। यूसुफ बेग मिर्जा साहब से मेरी शादी हुई 2003 में जी, ठीक है। अच्छा, अब ये क्योंकि सब डिटेल्स वेबसाइट पे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैं ये डिटेल्स दे चुकी हूं, मैं चाहूंगी कि बल्कि पीपल शुड लॉग ऑन टू दैट। लेकिन शादी हुई 2003 में, 2006 में हमारी अलहदगी हो गई, कुछ बताना पसंद कि इस मुद्दत आप दोनों कहां रहे? जी जी, हमारी जब शादी हुई 2003 में, 21 जून 2003 को हमारी शादी हुई लाहौर में, गुलबर्ग में, एट माय हाउस, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल आर रिलेटिव्स, इमीडिएट फैमिली एंड एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स। और उसके बाद हम लोग शिफ्ट हो गए कराची। उनके खानदान के भी कुछ लोग थे? ये उनकी पहली शादी थी? नहीं जी, ये उनकी पहली शादी बिल्कुल नहीं थी, ये उनकी दूसरी शादी थी। हो सकता है कि उनकी ये शायद तीसरी या चौथी शादी हो, लेकिन जहां तक मुझे पता है जो ऑन रिकॉर्ड है बात, वो उनकी दूसरी शादी थी जी। और उनके खानदान के तमाम अफराद, उनके भाई, उनकी बहनें, उनके भतीजे, भांजे, भतीजियां, उनकी सारी एक्सटेंडेड फैमिली, सब लोग वहां मौजूद थे।
उस शादी जी, में जी, शामिल थे आप जी जी बिल्कुल शामिल थे, बिल्कुल शामिल थे, बिल्कुल बिल्कुल। तो पहली बेगम को क्या उन्होंने तहरीर फरमाया जो आपके निकाह का फार्म है कि वो तलाक दे दी? जी जी बिल्कुल, उनकी रजामंदी से हुई या तलाक? नहीं, उनकी रजामंदी की बात तो नहीं आती रिजवी साहब, क्योंकि वो अपनी पहली बेगम को जमीला मकसूद साहिबा को मुझसे शादी करने से पहले तलाक दे चुके हुए थे। ठीक है, जो कॉलम होता है कि आया दूल्हा के यहाँ यहाँ कोई बीवी पहले से मौजूद है या नहीं है, तो वहां पर नहीं लिखा हुआ था क्योंकि कोई बीवी मौजूद नहीं थी। हाँ, अगर मौजूद होती तो फिर उनसे इजाजत ली जाती या उनकी रजामंदी सीख की जाती और फिर उनसे एक इजाजत नामा लेकर मेरे निकाह नामे के साथ अटैच किया जाता। मेरे निकाह नामे के साथ उनके मुकम्मल तलाक के जो कागजात हैं वो अटैच किए गए। ओवर अ पीरियड ऑफ 90 डेज जो एक तलाक दी जाती है, पहले एक तलाक, 30 डेज के लैप्स के बाद दूसरी तलाक, उसके 30 डेज के लैप्स के बाद तीसरी तलाक, यूनियन काउंसिल, जी जी यूनियन काउंसिल, आर्बिट्रेशन काउंसिल सारी। ये भी मैं आपको कुछ देर में, ये मैं फाइल लाई नहीं हूं, साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगी। सो वो सब साथ उनका बाकायदा डिवोर्स सर्टिफिकेट जो कि 10 मार्च 2003 को इशू किया गया, सब कुछ निकाह नामे के साथ अटैच किया गया था। बल्कि जो निकाह नामे से पहले जब सारे मामलात जो है सॉर्ट आउट किए जा रहे होते हैं और एक निकाह नामे की आप समझे एक रफ कॉपी बना के भेजी जाती है, तो वो यूसुफ बेग मिर्जा साहब के बड़े भाई हैं डॉक्टर याकूब बेग मिर्जा, उनके हाथ का लिखा हुआ वो सब कुछ यहाँ मौजूद है मेरे पास, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि डिवोर्स हो चुकी हुई है और डिवोर्स सर्टिफिकेट का ये नंबर, ये सब कुछ जो है ये साथ अटैच किया जा रहा है। सो ये सूरत हाल थी। तो ये सब की रजामंदी से जी जी बिल्कुल, ये बिल्कुल ब्याह हुआ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, नो डाउट। और उनके पहली बीवी से कोई बच्चों का आपको इल्म था या नहीं? जी था? जी मुझे बिल्कुल सारा कुछ इल्म था, सब पता था कि उनकी पहली बीवी से उनकी शादी कब हुई, वो कहाँ रहे, क्या हुआ, बेटी है बेटा है, क्या उनकी एजेस हैं, क्या वो करते हैं, क्या सब बेगम कुछ है, जमीला किधर रहते हैं, जिनका के जी जी बिल्कुल आपने बिल्कुल, पहले जिक्र फरमाया। जी 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 बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, मुझे सब कुछ मालूम था बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल, आपके शोर में और हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुलाकात आपकी कभी हुई उनसे? कुछ ढका छुपा नहीं था जी, आपसे कुछ ढका छुपा नहीं था? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं जी। बहुत खूब जी। तो उसके बाद 2003 से आप चली गई कराची? हाँ जी, कराची हम लोग गए फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड और कराची से हम लोग मूव हो गए लंदन। यानी आपने कारोबार के सिलसिले में चले गए? नहीं, कारोबार नहीं, यूसुफ की एम्प्लॉयमेंट थी लंदन में। जी 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 जी, बिकॉज वो कारोबार ही हुआ ना, पीटीवी से फारिग हो चुके हुए थे जी। और नहीं, मैं मतलब वो कारोबार को बिजनेस के सेंस में ले रही थी, तो इट वाज अ जॉब असाइनमेंट। एंड फिर व्हेन वी मूव टू लंदन तो ही वाज वर्किंग विद पीटीवी प्राइम, पीटीवी प्राइम जो कि वहां का एयर टाइम लेके जी, जो भी उनके मामलात थे। हाँ, पीटीवी प्राइम यूके। जी जी, पीटीवी प्राइम यूके। और उसके अलावा भी वो कंसल्टिंग का कुछ काम कर रहे थे जी, किसी और इदारे के साथ भी। ये भी आपके इल्म में है जी? लंदन जब वो गए जी, तो आपके इल्म में है कि वहाँ पे और भी कई मैनीफोल्ड काम वो करते रहे होंगे? हाँ, वो मेरे ख्याल से कर रहे होंगे डेफिनेटली। मतलब मेरे सामने तो वो यही शो करते थे कि मैं तो बड़ा सीधा सीधा काम करता हूँ और मैं तो जो हूँ मतलब पीटीवी प्राइम के साथ काम कर रहा हूँ या मैं एक ही इदारे के साथ काम कर रहा हूँ। और अब वो यही बाद में पता चलता है कि जी वो बड़ा कुछ और कर रहे होते हैं। वो जब एक चैनल पे बैठे होते हैं तो वो 10 चीजों में इन्वॉल्व होते हैं। और हाँ जी, यानी अपनी मसरूफियत से भरपूर माली और मुनाफे वाली चीजें वो। हाँ जी, लेकिन वो यही कहते हैं कि जी मेरे पास तो कोई पैसे नहीं। ये तो हाँ एक हर हाँ। अब आप ये बताएं कि आप को मिर्जा साहब ने प्रपोज किया था या आपने उन्हें प्रपोज किया था? क्या ये लव एट फर्स्ट साइट था या क्रश एट फर्स्ट साइट? नहीं 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 नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हैं रिजवी साहब, ये कोई वो टीनेज टीनेज टाइम रोमांस थोड़ी था ये तो। ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं थी, उन्होंने मुझे प्रपोज किया था, मैंने क्यों उन्हें प्रपोज करना था हाँ, या उनसे क्यों लव एट फर्स्ट साइट होना था या उनको मुझसे क्यों लव एट फर्स्ट साइट होना था जी। सो आई मीन इट वाज अ रिलेशनशिप दैट वाज बिल्ट ओवर सम टाइम जी।
तो लव वॉज नॉट ओनली ब्लाइंड बट नाउ यू नो यू आर सीकिंग. नहीं मैं तो वैसे ही आई एम ब्लाइंड. हाँ जी. नहीं नहीं हाँ, तो ये तो बहुत अच्छा है कि लव इज ऑल्सो ब्लाइंड एंड सो इज जस्टिस विच इज ऑल्सो ब्लाइंड. जी बट देखें जस्टिस इज ये लव इज ब्लाइंड का तो हमने बहुत सुना हुआ है या हम बिलीव करते हैं. जस्टिस इज ब्लाइंड कि हमें जस्टिस के साथ जो हमारे माइंड में आता है वो है कि जी जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड. सो मैं तो उस हवाले से बात करना चाहूंगी ज्यादा. चलें लेकिन एनीवे ये आप पुरानी बातें छोड़ें. आप देखें ना जो मैं आपको बता रही हूँ जिस तरह आपने कहा कि जी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस तक के वाकयात बताएं. तो 2003 में हमारी शादी हुई. 2006 में मिर्ज़ा साहब जो हैं इन्होंने मुझे कहा क्योंकि ऐसा अरेंजमेंट था कि हम लोग कराची में रह रहे थे. लंदन से हम वापस कराची आ चुके हुए थे. ठीक है. बिकॉज ही हैड जॉइंड ARY एंड देन ही जॉइंड जियो. इधर उधर होते रहते हैं ना. ठीक है. सो कराची जब हम आए तो इनका अरेंजमेंट ये था कि क्योंकि ये PTV के दौर में ये इस्लामाबाद में रहते थे जी. और इनके ये बीवी बच्चे जो हैं वो भी इस्लामाबाद में रहते थे जी. तो जब ये इनकी मुझसे शादी हुई और हम लोग बाहर चले गए तो इनके बच्चे उसी घर में जिधर ये पहले रहा करते थे अपनी वालदा के साथ रहते थे. ठीक है. और वो खातून वहीं रहती थी बच्चों के साथ. और लोगों को कुछ ऐसा ही इम्प्रेशन दिया गया था कि जी तलाक नहीं हुई है जैसे इन लोगों के बीच में, जैसे कोई एक अलहदगी हुई है. ठीक है. और जी मिर्ज़ा साहब ने आयशा सना से शादी कर ली है और मिर्ज़ा साहब जो हैं वो भी उसी घर में जाके रहते थे और वो लोग जो हैं वो भी मिर्ज़ा साहब के घर में आके रहते थे. ठीक है. बच्चे उनके बच्चे भी और बच्चों की वालदा भी. माशाल्लाह. हाँ जी बच्चों की वालदा भी आके रहती थी. ठीक है. मतलब मैं उम्रे पे गई हूँ. ठीक है. अपनी फैमिली के साथ तो पीछे से पता चल रहा है कि जी बच्चे आए हैं अपने वालिद के पास कराची में समर हॉलीडेज गुजारने तो साथ उनकी वालदा भी आ गई है समर हॉलीडेज गुजारने. क्योंकि उनका कहना यह था कि जी वालदा जो है उनकी वालदा का इंतकाल हो चुका हुआ है. वो एक ब्रिटिश लेडी थी. ठीक है. और वालिद जो हैं वो उनके साथ उनके कुछ मामलात बड़े उल्टे सीधे हैं और भाई जो हैं उनके वो मतलब भी इंग्लैंड में होते हैं. उन्होंने भी शायद कुछ अपना मजहब तब्दील कर लिया है. और बहन जो हैं कुछ उनके भी कुछ मतलब कुछ इनके साथ कोई नाचाकी है या क्या है. तो इनका कोई नहीं है ना इनका पीछे से कोई घर है ना इनका कुछ है. तो इन्होंने तो जी बच्चों के साथ रहना है. बस जी बच्चों के साथ रहना है. तो ठीक है. इन्होंने 2006 में मुझे कहा ये यूसुफ बेग मिर्ज़ा साहब ने कि जी बच्चों की वालदा ने ये कहा है कि मैं तो बच्चों को छोड़ के जा रही और मैं तो अपनी लाइफ लीड करना चाहती हूँ. मैं तो इंग्लैंड जा रही हूँ बिकॉज आई एम ए ब्रिटिश सिटीजन और मैं अपनी लाइफ लीड करना चाहती हूँ और मैं ये चैरिटी केस बन के और ये मेड बन के और ये मैं नहीं रहूँगी. ठीक है. और बच्चों ने कहा कि जी डैडी हमने तो आपके पास आके रहना है और आप आयशा सना को किक आउट करें. आयशा सना के होते हुए तो हम नहीं आपके साथ आके रहेंगे. ये कौन से सन की बात ये है जी 2006. ठीक है. और साथ ये कहा गया कि एक घर लंदन में एक घर है 146 क्रैनफर्ड लेन हाउंसलो. ठीक है. हाँ जी वो यूसुफ बेग मिर्जा साहब कहते हैं कि वो घर मैंने खरीदा था जब ये लंदन में रहते थे बिफोर PTV ZTV के दौर में. ठीक है. ड्यूरिंग दैट इनफेमस ZTV पीरियड. ZTV में भी आप काम करते रहे यूसुफ. हाँ जी मैंने कहा आप कह रहे हैं आप. मैंने कहा नहीं मैं नहीं काम करती रही. हाँ जी वो काम करते रहे. वो भी हमारे लिए बड़े मोहतरम है. जी जी आपका जी 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 नहीं मैं भी मिर्ज़ा साहब कह के बात कर रही हूँ. ये आप देख ही रहे हैं सुन ही रहे हैं. हाँ ये वही टाइम है जब ZTV से जी एक दफा नवाज शरीफ साहब का वो इंटरव्यू भी लेने. बस पता नहीं खैर मुझे उस टाइम का इतना पता नहीं है लेकिन वहीं से आए थे ये नवाज शरीफ साहब. इन्हें उसके बाद ही लेके आए थे. तो ये कहते हैं कि जी मैंने वो घर खरीदा था और कुछ टैक्स के कोई मामलात से डील करने के लिए मैंने ये घर जमीला मकसूद के नाम कर दिया. ठीक है. और उन्होंने कहा कि जी जब हमारी शादी होने वाली थी तो उन्होंने मुझे कहा कि वो घर मैंने उनके हवाले कर दिया. ठीक है. मैंने कहा जी ठीक है आपने हवाले कर दिया नो प्रॉब्लम. अच्छा जी अब ये मुझे उस वक्त नहीं पता था कि लंदन में इंग्लैंड में इन्होंने ये नहीं शो किया हुआ कि ही इज डिवोर्स्ड विद यू नो फ्रॉम हर. वहां पे ये मिस्टर एंड मिसेज ही बने हुए हैं. ठीक है. क्योंकि वहां के कुछ लीगैलिटीज कुछ लॉज कुछ ऐसा ये सब कुछ था कॉमन. एनीवे हाँ जी. सो हुआ ये कि जब ये मेरे से अलहदगी की सारी ये बात हुई तो इन्होंने कहा कि जी मुझे तो ये घर भी वापस मिल सकता है.
ऐसा किया गया ना कि जमीला साहिबा ने कुछ ये दाना फेंका या बच्चों ने कुछ ये दाना फेंका कि डैडी आपको तो घर वापस मिल सकता है, तो आप आयशा सना को फारिग करें। फिर मिर्ज़ा साहब ने मुझे कहा कि जी मेरी बेटी ने कलाई काट ली है, बेटी ने मंगनी तोड़ने का ऐलान कर दिया। बातें ब्रेक है, एक मुख्तसर सी ब्रेक अच्छा। लेते हैं और बाकी बातें जो हैं नाजरीन हम आपसे ब्रेक के बाद करेंगे।